Hello students, welcome back to online classes. And today we are going to discuss about the breathing under water. It means breathing in fish and some other sea animals or water animals. As you all know that fish respire by the use of gills. फिश क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू द गिल्स. गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ द स्किन. गिल्स क्या होते हैं, इनकी स्किन का एक प्रोजेक्शन होता है जो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है एंड थिन मेम्ब्रेन का जैसा होता है. यू मे वंडर हाउ गिल्स हेल्प इन ब्रीदिंग. और ये बहुत सरप्राइज्ड होता है, सरप्राइजिंग होती है किस तरीके से ये गिल्स से रेस्पायर करते हैं. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. गिल्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो देखिए पिक्चर में, देखिए फिश की एक पिक्चर दिखा रखी है जिसमें क्या शो कर रखा है, हमें गिल्स शो कर रखे हैं. और ये कैसी होती है, मस्कुलर यानी कि थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्किन के प्रोजेक्शंस होते हैं जिसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स आके मिलती हैं. और इन्हीं ब्लड वेसल्स से जब ये पानी अंदर जाता है गिल्स के थ्रू, तो जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो इन ब्लड वेसल्स में भेज दी जाती है. और इन्हीं ब्लड वेसल्स से CO2 जो है वो वापस से थ्रू द गिल्स बाहर की तरफ भेज दी जाती है. तो फिश में किस तरीके से होता है, बाय द यूज ऑफ गिल्स. एंड गिल्स क्या है, दीज आर द स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑफ स्किन. और क्योंकि यहाँ बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो O2 का और CO2 का एक्सचेंज डायरेक्ट ब्लड से होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.